ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, किसी को भी शादी के बाद अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे रिश्ता बना के रखना चाहिए, और कुछ ऐसे गलतियाँ ना करें जिससे कि डिवोर्स मतलब तलाक तक की नौबत आ जाए। आज मैं किसी शादी में गई थी तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, खासकर आजकल के युवा लड़का लड़की जो भी शादी कर रहे हैं, और जितनी शादी होती नहीं है उससे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि लोग डिवोर्स ले लेते हैं। तो मैं आज बताऊंगी कि ऐसा मतलब कुछ क्या ऐसा उपाय करें कि तलाक की ज़रूरत ना पड़े। और ये वीडियो मैं मेरे फादर इन लॉ ने उनकी प्रेरणा की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि नेवर में एक आंटी उनके पास गई थी इस समस्या को हल निकालने के लिए। उनके बेटे बहू में डिवोर्स हो रहा है और उनकी बहू कुछ साल से छोड़ के चली गई हैं, बेटा पोता पोती को छोड़ के। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि आप जाइए सविता के पास और उससे पूछिए कि वो अपनी लाइफ इतने सालों से मतलब जॉइंट फैमिली में कैसे निभाई और अपने हस्बैंड के साथ कैसे निभा रही है, क्योंकि कुछ घटनाएं यहाँ पे सभी लोगों को मालूम है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये चीज़ सबको पता है। तो उस वजह से उन्होंने आंटी को मेरे पास भेजा और बोले कि आप अपनी बहू से बात करवाइए। सविता जिस समझदारी से अपना रिश्ता निभा रही है आज तक, तो हो सकता है वो अगर समझाएगी तो शायद आपकी बहू लौट के आ जाए, गलत स्टेप ना उठाए। तो मुझे लगा कि अगर फादर इन लॉ मेरे पे इतना फेथ कर सकते हैं, बिलीव है, तभी उन्होंने आंटी को भेजा है। तो मेरे से जितना हो पाया मैंने आंटी को और उनकी बहू को कुछ समझाने की कोशिश की, और आज मैं वही सारी बातें आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनको भी ऐसी समस्याएं हो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या लाइफ में किया कि बहुत सारे परेशानी होते हुए भी आज तक मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक से रह रही हूँ। और थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम देखिए हर घर में होती है, और कितना भी एज हो जाए सब एज में होती है, इसलिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं घबराना चाहिए। और मेजर प्रॉब्लम को मैंने कैसे हैंडल करके रखा हुआ है वो सारी बातें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ आजकल लड़कियों को जॉब करना मस्ट हो गया है, कंपलसरी हो गया है, और मतलब हस्बैंड भी चाहते हैं कि मेरी वाइफ जॉब करे, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि उसके बिना मुश्किल है घर चलाना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने को मिल रहा है जितना ही लड़की लोग बीवी लोग जॉब कर रही हैं उतना ही डिवोर्स का केस बढ़ते जा रहा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जो भी कपल्स हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं और वो डिवोर्स की नौबत आ जाती है अगर छोटी मोटी घर घरेलू के झगड़े की वजह से, तो वो लोग ऐसा गलती ना करे। हाँ, मैं पहले ही बता देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले,
अगर हस्बैंड ने कुछ गलती किया है, मतलब कि किसी और लड़की के साथ है रिलेशन या फ्रेंडशिप, और ऐसे ही उल्टा अगर वाइफ को किसी जेंट्स के साथ रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, उस केस में मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, वो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जहाँ अगर हमारा रिस्पेक्ट ना हो, इज्जत ना हो, प्यार ना हो, हमारी कोई वैल्यू ना हो, उस रिश्ते को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर छोटी मोटी पैसे को लेके प्रॉब्लम हो रही है, ज्वाइंट फैमिली को लेके प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी में लेकर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी मजाक मजाक में ही मतलब इतना बड़ा इशू बन जाता है, बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाता है, हस्बैंड वाइफ ईगो में ले लेते हैं, और कई कारण हैं कि पता ही नहीं चलता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक मतलब किस वजह से झगड़ा हो गया या झगड़ा मतलब तलाक के पास चला गया है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी वाइफ जॉब कर रही हैं, प्लीज़ हस्बैंड लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उनको समझिए, जो भी जॉब कर रही हैं आपके फैमिली के लिए कर रही हैं, जितना आप अपने फैमिली के भला चाहते होंगे, लेडीज़ उससे कहीं ज़्यादा आपके और अपने फैमिली के भला चाहती हैं, इसलिए घर भी संभाल रही हैं और ऑफिस भी संभाल रही हैं। तो प्लीज़ उनका साथ दे, हो सके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा काम आप वाइफ को करके दे दे, लेकिन जितना आप वाइफ को घर का काम करके देंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपके और आपकी वाइफ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब आप दोनों ही साथ में काम कर रहे हैं, तो सोचिए, जब आप जेंट्स होके थक सकते हैं, तो क्या लेडीज़ नहीं थकेगी? सच मानिए, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है जब घर भी संभालो और ऑफिस भी संभालो। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं जॉब करती थी, तो मुझे भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और कुछ लोग कान के भी कच्चे होते हैं, मेरे हस्बैंड भी कान के कच्चे थोड़े से हैं, और कई लोग मतलब भड़काते रहते हैं कि वाइफ को जॉब करवा रहा है, जॉब करवा रहा है, वाइफ का मतलब कमाई खाता है। तो ये सब चीज़ पे आप अनसुना करें, क्योंकि जिनकी वाइफ जॉब नहीं कर सकती, जिनमें काबिलियत नहीं है, उनके हस्बैंड ऐसे शब्द बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन आज वो सोसाइटी ज़माना नहीं रह गया कि वाइफ काम ना करे। तो अगर वो कदम से कदम बढ़ा रही हैं और आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो भी आप चिंता ना करें कि लोग क्या कहेगा कि मैं बीवी के कामों में मदद कर रहा हूँ। आप कीजिए, जब बीवी आपके हेल्प कर सकती है और आपके सारे सपना पूरा, आपके बच्चों के सपना पूरा करने के लिए वो डबल मेहनत कर सकती है, तो आप भी अपनी फैमिली में समझाइए कि मैं किसी और का काम नहीं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड तो साथ नहीं दे पाए थे उन दिनों में, और कान के कच्चे होने के कारण भी वो लोगों का बात ज़्यादा मानते थे, मेरा बात बहुत कम माने, जिसकी वजह से मेरे घर में भी परेशानी हुई। और लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है हर वीडियो में, अगर आपने कोई टारगेट रखा हुआ है उसको अचीव करने के लिए, उसको सपना को पूरा करने के लिए, चाहे जो भी परेशानी हो, उसे जरूर सपना को पूरा करना चाहिए। तो मेरे घर में भी परेशानी होती थी, मतलब जॉब छोड़ने की भी बात या छोड़ने की बात, बहुत कुछ होता था, लेकिन ना मैंने हस्बैंड को छोड़ी, ना ही मैं जॉब को छोड़ी, और एक बैलेंस बना के चलती थी। और अगर हस्बैंड को कान में किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा भर देते थे, तो मैं उनको ब्रेन वॉश करती थी, समझाती थी कि जो भी मैं कर रही हूँ, आपके और आपकी बेटी के लिए कर रही हूँ, आपके भले के लिए कर रही हूँ, और लोगों को क्या है, आज अगर उनकी वाइफ में काबिलियत होगी, तो सबसे पहले वही लोग भेजेंगे काम करने, उन लोग की वाइफ में काबिलियत नहीं है, इसलिए आपकी बीवी को लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप ध्यान मत दीजिए। और काम तो हेल्प नहीं कर पाए थे, और जब मैं अलग सेपरेट हो गई थी, तब धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी
स्टार्टिंग में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। आप लोग अगर चाहते हैं कि डिवोर्स ना हो, मैंने ज़्यादातर यही सुना है, देखा है कि एक्सेस काम करने की वजह से सच में बहुत टेंशन होती है लेडीज़ को। घर संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चे की पढ़ाई और ऑफिस का सारा टेंशन बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद फिर हस्बैंड भी सुनाते हैं, जिसकी वजह से मतलब डिवोर्स हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यही काम कीजिए कि कुछ भी हो जाए, बस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बहस कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ, एक तो काम पे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है घर में। और एक मैंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आप ना मतलब पहले ही कल्पना कर लीजिए, चलिए छोड़ दीजिएगा बाद में, लेकिन पहले कल्पना कीजिए कि जो लाइफ आप अभी जी रहे हैं हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, लेकिन किसी ईगो की वजह से अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ दीजिएगा, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर मैंने वाइफ को छोड़ दिया और अगर मैंने हस्बैंड को छोड़ दिया, उसके बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी क्या होगा। और सोच के देखिए, तो मुझे तो लग रहा है, मैं तो डर जाती हूँ कि ये भी कोई ज़िंदगी है, मतलब कमा के आओ, पैसे बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन हस्बैंड ना साथ में है, हस्बैंड के साथ वाइफ ना साथ में है, बच्चे हैं तो बिल्कुल अलग अलग हैं, बच्चे की क्या गलती है। और वो भी मुझे पता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम बन जाती है और जिसकी वजह से लोग अलग हो जाते हैं। तो सबसे एक तरीका आसान है तलाक नहीं लेने का, कि आप एक एज्यूम कीजिए, एक कल्पना कीजिए, क्या इस इंसान के बिना आप रह सकते हैं, या जो लाइफ अभी आपका है, क्या कोई गारंटी दे सकता है आपको कि इससे बेटर लाइफ आपका हो सकता है छोड़ने के बाद। और अगर आपका मन जवाब देता है कि हाँ, मैं इससे बेटर लाइफ जी सकती हूँ, मुझे इससे अच्छा लाइफ मिल सकता है, अगर जवाब हाँ मिलता है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, अगर एक बार किस्मत में हाँ, मतलब मिला है वाइफ या हस्बैंड, तो आगे किसी ने नहीं देखा है कि आने वाला कल कैसा होगा, कौन जानता है। तो जब एक बार मान लीजिए किसी कारण से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आगे हस्बैंड वाइफ के बिना मतलब कैसा रिश्ता होगा। कई लोग दूसरी शादी की बात करते हैं, तो क्या उसकी कोई गारंटी है। कई लोग मतलब हस्बैंड ज़्यादा पीते हैं, या मतलब ज़्यादातर मैंने देखा पीते हैं या कुछ और ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हम छोड़ देंगे। तो अगर दूसरी शादी करते हैं, तो क्या कोई गारंटी है कि वो ना पीता हो, या वो बदतमीज ना हो, या वो गलत इंसान ना हो। इससे अच्छा है संगत का असर होता है। अगर आप अच्छी हैं या हस्बैंड अच्छे हैं, तो एक दूसरे से मन की बात समझिए, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप जैसे हैं वैसे हस्बैंड को बना सकते हैं, और हस्बैंड जैसे हैं, बात करके समझा के वाइफ को भी आप अपने रंग में ढाल सकते हैं। बस थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। गलत स्टेप कोई भी मत उठाइए, ना मतलब सुसाइड का और ना ही तलाक का। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बच्चे को होता है। बच्चे के लिए सच में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और बच्चे के लिए जीना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप करते रहेंगे, तो लाइफ सच में बहुत आसान हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात रिश्ता निभाने का है कि अगर सच में गलती ना हो वाइफ का या हस्बैंड का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ केस में वाइफ गलत नहीं होती है, वाइफ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज होती हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बहुत कुछ बोल जाते हैं वाइफ भी, और हस्बैंड भी कई बार मतलब बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरा लगता है, मतलब लगता है कि अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा कुछ भी दिन आ जाता है। तो बस यही एक सोच के चलिए कि
इस जन्म में तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों गलत हो रहा है? जरूर कोई कारण होगा, तो कारण यही ढूंढिए कि जरूर हमने पिछले जन्म में इनके साथ गलत किया होगा, बहुत ज़्यादा गलत किया होगा, और इसलिए भगवान ने इस जन्म में हमें बदला लेने के लिए हस्बैंड वाइफ को एक कर दिए हैं, और उस बदला को पूरा करने के लिए हमें ऐसा मतलब झेलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। और माफ़ी मांग लीजिए कि जो भी हमने पिछले जन्म में गलती किया होगा, माफ़ कर दीजिए, आगे मतलब हम ऐसा कुछ नहीं मतलब करेंगे। इस जन्म में क्यों पाप करेंगे? पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप किए होंगे जो कुछ हमें गलत रिश्ता मिल जाता है, लेकिन उसको भी निभाने की कोशिश कीजिए, अलग होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सब रिश्ता ऊपर वाले ने जब हम जन्म लेते हैं तभी मतलब सब कुछ तय करके रखते हैं। हम लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं, और उसको ईमानदारी से अच्छे से निभाइए। ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसे ईगो के कारण, लोगों को समाज में दिखावे के कारण, किसी और के बहकावे में आके ये सब गलत स्टेप मत लीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज अचानक मेरे मन में आया कि एक शादी में एक लड़की के माँ बाप कितना खर्च करते हैं, लाखों खर्च करके पूरी ज़िंदगी की कमाई मतलब जमा करके और बेटी के शादी करते हैं, कितने अरमानों से शादी करते हैं। तो सोच के देखिए, हमारे भी बेटी है। आज अगर हम सही में अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहे हैं, तो कल हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, वो क्या सीखेंगे? और बहुत अरमान से माँ बाप बेटी को ज़िंदगी भर के लिए भेजते हैं, वो तलाक के लिए नहीं भेजते हैं, लाखों पूरी ज़िंदगी की कमाई उस शादी में लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि 6 महीने, साल भर या 2 साल में। मतलब ज़्यादातर डिवोर्स मैंने देखा है स्टार्टिंग में ही होता है। कुल मिला के ये बात है कि अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी पेशेंस रखे, थोड़ा सा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा सा एक दूसरे को अगर आपने समय दे दिया, तो रिश्ता सच में आगे बढ़ सकता है। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने ईगो को आगे ले आए, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, और रिश्ता को बहुत ही मजबूत और अच्छा बनाइए। किसी भी तीसरे को मत आने दीजिए, तीसरे की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब कोई भी छोटी मोटी टॉपिक में भी। कुल मिला के अगर आप घर में अगर बहस हुआ है, मैंने ये देखा, अगर बंद कमरे में अगर बहस होती है, अगर उसको अपने बंद कमरे में सुलझा लिया, तो बात आगे नहीं बढ़ती है। और अगर बंद कमरे से अगर डाइनिंग रूम में बात चली गई, तो उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब 2 4 8 दिन प्रॉब्लम लोग खींच देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर एक रूम से, एक फ्लैट से अगर कहीं और बात चली गई हस्बैंड वाइफ की, कुछ लोगों के कानों में चली गई, तब तो सोचिए डिवोर्स होके ही रहा। तो इसका मतलब ये है कि बात को आगे मत लेके जाइए। अगर दोनों के बीच में हुआ है, तीसरा मतलब अपने पेरेंट्स को भी मत लाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को भी मत लाइए, दोनों में अगर बहस हुआ है, तो सिर्फ दोनों बैठ के ही बातें कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, तीसरा कोई भी आपका सही राय नहीं देंगे, ये मैंने देखा है। क्योंकि जितना आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं प्रॉब्लम क्या है और क्यों हमने ऐसा बोला, सॉरी बंद कमरे में बोल सकते हैं, जैसे जैसे बात बढ़ेगी लोगों को पता चलेगा। मुझे पता है, ये सारा मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने में। इससे अच्छा है कोई भी बात हो मत बढ़ाइए, और मैके तो भूल से भी मत जाइए। आज वो लड़की को देख लिए, मैंने कितना भी समझाया, लेकिन बस अब शर्म है कि मैं कैसे आऊँ, क्या करूं, और बहुत सी मतलब उसको परेशानी हो रही है, इसलिए वो गलत स्टेप मत लीजिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बेटी को कुछ दिन के लिए भले ही रख ले, लेकिन समझाएं और बताएं कि रिश्ता क्या है और कैसे निभाना चाहिए, ना कि सच में
थोड़ी बहुत दामाद की गलती हो, इन लॉज की गलती हो, और उसको बढ़ावा दे दे और जानबूझ के अपनी बेटी को अपने घर में रख ले कि हम खिला नहीं सकते, हम पिला नहीं सकते। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि अगर बेटी किसी बात से गुस्सा से आ गई है तो कुछ दिन के लिए रख ले और फिर समय दे और धीरे धीरे समझा के बेटी को अपने घर भेज दे। बस मैं यही कहूँगी, मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है। और यकीन मानिएगा, ये सब चीज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रॉब्लम होती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन ऐसे मैं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके समझती हूँ अपने हस्बैंड को। और कभी कभी गलती कर जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, तो कोई समझाने वाला नहीं होता है कि क्या करूँ। फिर अकेले बैठ के उनकी जो भी अच्छाई होती है, ऐसा नहीं कि किसी इंसान में अच्छाई नहीं है, अगर बुरा है तो अच्छाई भी ज़्यादा है। बस नज़रिया, चश्मा पहनने की ज़रूरत है। तो जब आपको लगे कि हम गलत इंसान के साथ मेरा रिश्ता हो गया है या मैं गलत लोगों के साथ रह रही हूँ, तो उनकी अच्छाई को याद कीजिए और अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। किसी और को फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके लाइफ में, आपके घर में क्या हो रहा है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और काम में बिजी रहिए। छोटी सी प्रॉब्लम भी, मतलब बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत छोटी सी लगेगी, और अगर काम नहीं है कुछ तो फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी, मतलब बड़ी प्रॉब्लम भी लगता है कि बहुत छोटा सा है। तो इसलिए इसी फार्मूला के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए और कभी भी गलत स्टेप मत लीजिएगा। मेरी यही विनती है कि बहुत मुश्किल से माँ बाप बेटी की शादी करते हैं, और हस्बैंड, आप लोग भी, मतलब आजकल तो सब कुछ चॉइस से होती है शादी, तो सब कुछ सोच समझ के कीजिए। और अगर शादी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी का नाम ही है कॉम्प्रोमाइज़। जब तक समझौता नहीं करेंगे कोई भी रिश्ते में, चाहे वो ऑफिस हो, जॉइंट फैमिली हो, फ्रेंड हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी रिश्ते में अगर हम जब तक थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते हैं। तो बस अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही समस्या, ज़िंदगी में जो भी समस्या है उसका हल विथ एक्सपीरियंस के साथ लाने की कोशिश करूँगी। और आप, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। और किस टॉपिक पे आप लोग से, मतलब मैं बात करूं, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर लाने की कोशिश करूंगी। और बस धन्यवाद।